बड़ी मम्मा, काली की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, लेकिन बीमार है ना, इसलिए आराम कर रही है। वो पार्टी में नहीं आ पाएगी बेटा। तो हम पापा को बोल देते हैं कि पार्टी कल कर लेंगे। लेकिन जन्मदिन तो आज है ना, तो पार्टी कल कैसे हो सकती है? पर काली के बिना ये पार्टी कैसे होगी? मैं तो उसके बिना कुछ करती ही नहीं हूँ। हाँ बेटा, हम एक काम करते हैं, आपके पापा को कह के एक और बड़ी सी पार्टी करते हैं, फिर आप और काली मिलके खूब सारी मस्ती करना, बहुत मजे करना, ठीक है? बुची पाए, आपकी मम्मी बुला रही है, जाओ। ठीक है, पर आप काली से कह देना वो पार्टी में नहीं थी, इसलिए मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी और पार्टी में बिल्कुल भी मजा नहीं करूंगी। अच्छा, हम दोनों ना एक काम करेंगे, पूरा दिन पार्टी में बिल्कुल मुंह फुला के घूमेंगे। बताऊं कैसे? ऐसे। अरे पुची पाई, चलो चलो, सब कोई वेट कर रहे हैं, फोटो खींचने का, चलो। हमारी कली बहुत जल्द ठीक हो जाएगी गौरी, और उसके लिए ये दुनिया ये भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के इसी बंधन के कारण हमारी कली अपने अंधकार की दुनिया से निकलकर सवेरा देखेगी, जरूर देखेगी। पानी पीते हैं, अब कैसा लग रहा है कली? मंजी, मुझे फ्रिज से बाहर किसने निकाला? हमने निकाला। कली बेटा, आप फ्रिज में जाके क्यों बैठ गई थी? किसी ने कहा था मुझसे। किसने कहा था? अगर मैं बताऊंगी तो आप डांटेंगे उसे। हम नहीं डांटेंगे, किसी को नहीं डांटेंगे, ठीक है? अब बताओ किसने कहा था? गौरी। गौरी क्यों? गौरी ठंड में रहती है एसी में, इसलिए बड़े पापा उसे प्यार करते हैं। मैं भी ठंड में रहूंगी तो सुंदर बन जाऊंगी, फिर पढ़ के पापा भी मुझे प्यार करेंगे। हे भगवान, इस बच्ची के मासूम इच्छाओं का कोई तो मोल होगा, कभी तो आचार्य जी का दिल पिघलेगा इस पे। स्वागत है आपका, स्वागत है मेले साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा। जा साहब, मिथिला में दो जगह का न्योता टाला नहीं जा सकता, एक तो माता सीता का मंदिर और दूसरा विश्ववीर जा साहब के घर का। आपको बेटी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसकी क्या आवश्यकता थी? पुरोहित जी, एमएलए जी को जलपान करवाइए। अवश्य, आइए आइए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मंत्री जी। मंत्री जी दयाल पधारे हैं हमारे घर में। वाह, नमस्कार नमस्कार भाई, बधाई हो आपको। विश्वा से विश्ववीर और विश्ववीर से झासा, सिर्फ 5 साल। अब
जिस घर में माँ जानकी की झांझर झनकती हो उस घर में सुख सफलता समृद्धि तो आ ही जाती है। वैसे आपको भी दोबारा मंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। हमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सफलता को टिकाए रखने के लिए। मंत्री जी आपको इस बात पे गौर करना होगा कि आपके घर में झांझर किसकी झनकती है। भाई अब तो आप सीएम साहब के साथ उठने बैठने लगे। वो जमीन भी छीन लिया आपने हमसे। मंत्री जी बल्कि यूं कहिए कि हमने अपनी जमीन छीनने नहीं दी। अरे विश्वा प्रणाम। ऐसे शुभ अवसर पर क्या ज्ञान ध्यान की बातें करने बैठ गए मंत्री जी के साथ। मंत्री जी का मुंह मीठा कराइए, पहली बार हमारे आंगन में पधारे हैं। अरे भाई झा साहब, आपकी किस्मत के झूला को जिसने धक्का दिया उस माता जानकी का दर्शन नहीं करवाइएगा? क्यों नहीं, आइए आप, आइए आइए। अरे मंत्री अंधेरा हो गया, आज तो गौरी की बर्थडे पार्टी है और मैंने सुबह से उसे विश नहीं किया। मंत्री मुझे उसका बहुत सारा काम भी करना है, वो भी नहीं किया। आप मुझे तैयार कर दो ना। कलिक सुनो, यहाँ आके बैठो। कलिक बेटा आप पार्टी में नहीं जा सकते। क्यों मंजी? आपको पार्टी में जाने से मना किया है। किसने? के पापा ने। मैं समझी, मुझे बुखार है ना, बड़के पापा ने सोचा होगा अगर मैं पार्टी में जाऊंगी खेलूंगी तो मुझे और बुखार चढ़ जाएगा। मंजी बड़के पापा कितने अच्छे हैं, वो मेरी तरफ देखते ही नहीं, मुझसे बात भी नहीं करते, मगर वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ बेटा, बड़के पापा आपका बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, बड़के पापा ने मना किया मुझे पार्टी में आने से तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरी ओर से आप गौरी को हैप्पी बर्थडे कह देना और कहना कि बड़के पापा को गुस्सा ना करें, बड़के पापा ने समझ कर ही मना किया होगा मुझे पार्टी में आने से। वैसे क्यों बैठी है? चल डॉल सेट सजाते हैं, बहुत मजा आएगा। कल काली के साथ मिलकर सजाएंगे। चल फिर कुछ और खेलते हैं। वैसे मुंह मत लटका के बैठ। काली नहीं है ना, इसलिए पार्टी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा।
अरे काली, तू ठीक हो गई? मैं तो ठीक ही हूँ नीलू भैया। ठीक है, तू आई क्यों नहीं पार्टी में? बड़के पापा को पता नहीं कि मैं ठीक हो गई हूँ, इसीलिए पार्टी में नहीं आ सकी। पिछले 5 साल कमाल के 5 साल रहे। हमने इन 5 सालों में 7 कॉम्प्लेक्सेस तैयार किए और इन 7 कॉम्प्लेक्सेस में करीब 15 स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं। और अगले साल हम इस देश का सबसे बड़ा गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल शुरू करने वाले हैं। नमस्कार मिस्टर झा, मैं SM दीक्षित, महिला और बाल कल्याण विभाग में कमिश्नर हूँ। मिसेज दीक्षित, मैं आपको जानता हूँ, नमस्कार। सरकार ने जो नई योजनाएं बनाई हैं, उसके लिए मैं आपके ऑफिस में आके आपसे मिलती हूँ। जी, कभी भी। छोटी बच्चियों के कल्याण के लिए आप जो जहमत उठा रहे हैं, ये बात केंद्र सरकार तक पहुँच चुकी है और आपके कार्य की बहुत प्रशंसा हो रही है। सरकार का और सबका बहुत 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 शुक्रिया। मिसेज दीक्षित, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मिथिला में जितनी भी बच्चियां हैं जी, वो माँ जानकी का रूप है। मैं उनकी सेवा करता हूँ और बदले में मेरा ही कल्याण होता है। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो बच्चुआ? काली से मिलने जा रही हूँ। कौवा बैठा आम की ठोर और आंखें ढूंढे कूड़े का ढेर। आज तुम कहीं नहीं जाओगी, विश्वास देखेगा ना तो बहुत ही डांटेगा। तुम यहीं रहो, इन्हीं बच्चों के साथ खेलो, जाओ। गौरी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ खेल रही है ना, और उसने केक काट लिया नीलू भैया। गौरी तो तुझे बहुत याद कर रही है और तेरी चिंता करे जा रही है। तेरे बिना तो अपने किसी फ्रेंड के साथ नहीं खेल रही हो, इसलिए मैं देखने ही चला आया कि तू ठीक है ना। अब जाइए जाइए नीलू भैया, और गौरी को कहिए कि काली बिल्कुल ठीक है और अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर दे। अगर मैं वहाँ होती तो गौरी इतना खेलती कि हंस हंस कर उसका पेट दुखने लग जाता। नीलू भैया, मुझे भी गौरी को हैप्पी बर्थडे कहना है। अरे अरे, तू उदास मत हो, चल तू भी मेरे साथ पार्टी में चल। सच? हाँ सच। मैं बीमार हूँ, इसीलिए बड़ के पापा ने मना किया है मुझे पार्टी में जाने से। चाचा जी तो खुद ब खुद देख लेंगे कि तू ठीक है, तू क्यों टेंशन ले रही है, चल। लेकिन तू कैसे जा सकती है? क्यों? क्योंकि वहाँ तो सब फैंसी ड्रेस वाले बच्चे आए हैं, और तू क्या बन के जाएगी उधर? ये तो मैंने पूछा ही नहीं मंजी से, वो सब तो बच्चे हैं, इसीलिए कुछ भी बन सकते हैं। मैं तो नींबू मिर्ची हूँ, मैं क्या बन सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है, चल तू मेरे साथ, बताता हूँ। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। ए जी सुनिए, हाथ दीजिए। और डिस्को बहुरिया दीजिए। ज्यादा लेडीज एंड जेंटलमैन मत करिए, ये हमारा पार्टी है, हम बोलेंगे। जाइए आप, जाइए तो उधर जाइए। सुनिए आप लोग बैठ जाइए। आज के दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार किए हैं हम। हमारी पूछी पाई हमसे पूछी कि मामा पार्टी में का किया जाए, तो हम बोले कि हमारे पास आइडिया का खजाना है, का डालेंगे, है ना? बिल्कुल। तो आज के दिन हमारा ब्रिलियंट आइडिया है, ब्रिलियंट मतलब समझे, अद्भुत, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। भाभी जी, कंपटीशन का पहला प्राइज तो आप जीत ही चुकी हैं। सच में?
कंपटीशन कर रहे हैं। अरे तो बच्चा लोग का कंपटीशन है, अब सबसे पहला बच्चा परफॉर्म करेगा। चलिए बत्ती बंद करिए। हम तो सोच रहे थे कि तुम आओगे या नहीं। मैं के पापा ने मना किया था, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। मुझे पता है तुम्हारा गिफ्ट सबसे अच्छा होगा। थैंक यू। जेठी माँ, आप कहती थी ना कि काली नींबू मिर्ची है, आज वो सचमुच में नींबू मिर्ची बन के आ गई। पापा, अब उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए फैंसी ड्रेस में। आजकल बच्चे टीवी और फिल्में देख के ना जाने क्या क्या सीख जाते हैं। अभी इस बच्ची को ही देखिए, नींबू मिर्ची का भेस बनाकर आई है। वही कुछ भी बन जाएगा, थोड़ी चलेगा। अब जैसे मैं ऑटो रिक्शा बन के आ जाऊं और बच्ची को बिठा के निकल जाऊं, तो फिर तो देखो फैंसी ड्रेस में पिगुल की जगह मेरा भोपू बजेगा। इसका भेस बदल। कली बेटा गिफ्ट दे दिया ना, अब चलो। हाँ आ जाओ। मंजी और के पापा को तो अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक हो गई। हाँ बेटा, हम आपको ढंग के कपड़े पहना देते हैं। बड़ी मम्मा, काली को नहीं ले जा सकते, आज पहली बार तो उसने रंगीन कपड़े पहने, हमेशा तो काले कपड़ों में रहती है। बहुत सारा खाना भी है, आइसक्रीम भी है, आज तो रहने दीजिए ना घर में बड़ी मम्मा। गौरी बेटा, पापा नाराज होंगे ना, हमें कली को ले जाने दो, है ना। अच्छा कली, सुनते हैं ना बात, चलो यहाँ से चलो।
को नहीं ले जा सकती।